बिहार में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए नीतीश सरकार ने कोचिंग संस्थान पर ताला तो लगा दिया है, लेकिन कोचिंग संचालक इसका पुरजोर विरोध करते नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में शिक्षण संस्थान को बंद करने के विरोध में मोतिहारी के पकड़ी दयाल अनुमंडल कार्यालय में सभी निजी स्कूल और कोचिंग संचालक के शिक्षक ने SDO और पूर्व मंत्री राणा रणधीर सिंह को ज्ञापन सौंपा और काला बिल्ला और हाथों में जंजीर लगाकर सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। मजबूरी कह लीजिए या जान है तो जहान है को प्राथमिकता देते हुए ये निर्णय किया है, वो भी थोड़े समय के लिए किया है। इसलिए किया है कि ये संक्रमण अगर नियंत्रित हो जाए तो सरकार नहीं चाहती है कि कोई संस्थान बंद हो, कोचिंग संस्थान बंद हो। लोगों को परेशानी है और परेशानी सही है, हम लोग भी उस वजह से चिंतित हैं, लेकिन सरकार अब व्यवस्था बनाएगी कि कैसे सुरक्षित रहकर भी आगे कैसे स्कूल कोचिंग खुल सकता हो, इस दिशा में सरकार। और बड़ी खबर सामने आ रही है, पटना में CM की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक जो है वो संपन्न हो गई है और इस दौरान 8 एजेंडों पर मुहर लगी है। और आपको बता दें कि ये बैठक जो थी वो संवाद भवन में आयोजित की गई थी, जिसमें बिहार सरकार के कई मंत्री भी शामिल हुए। CM नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है और इस बैठक में 8 एजेंडों पर कुल मुहर लगी है।